आपको इंडिया ट्रेड फेयर में। तो देखिए चलिए आज आपको घुमाते हैं इंडिया ट्रेड फेयर में दिल्ली, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये ट्रेड फेयर जो है सन 1980 से स्टार्ट हो गया है, पब्लिक के लिए 1980 से स्टार्ट हो गया है। तो इसका बस यही मकसद है कि यहाँ पे सभी स्टेट को जोड़ा जाता है मिलजुल के, इसमें कोशिश यही है कि एकता के लिए। तो ये व्यापार मेला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, और इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी उत्तर प्रदेश की झांकियाँ, स्टॉल लगती हैं हर एक स्टेट की, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सबकी स्टॉल्स इसमें लगती हैं। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ पूरा शुरू से लेकर एंड तक, और एंड तक आप ब्लॉग में बने रहिए, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको, शेयर करते हैं सारी झांकियाँ। और देखिए इसको एक तरह से मिनी भारत भी बोला जाता है, अगर आप पूरे भारत में शेयर नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर आइए दिल्ली ट्रेड फेयर में, और आपको सभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सबकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, झांकियाँ देखने के लिए मिलेंगी और एकता मिलेगी। तो आप एक तरह से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं मिनी भारत। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं हॉल नंबर 2 और 4 में, और ये है ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप लोग गेट नंबर अगर 5 से आएंगे तो ये बस सामने ही आपको 2 और 4 हॉल मिल जाएगा। तो बस मैं एंट्री कर रही हूँ, और यहाँ पे हैं इस्पात मंत्रालय के पवेलियंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो आप लोग देखिए मेरे साथ और एंड तक व्लॉग में बने रहिए, और मैं आज आपको विजिट कराऊंगी पूरे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। तो चलिए आप देखते रहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको शीर्ष को बुलाऊंगा मैं तभी अगर आप शीर्ष पे आंसर देंगे, पर लेकिन दो जनों को आई रियली वांट टू गिव दिस गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर यू, एंड आई विल कम बैक विद द मोर क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मे बी फ्रॉम द मूवी एंड मे बी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कुछ देर में यहाँ पे ऐसा ही क्विज कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, जो भी होने जा रहा है इनकम टैक्स तो अभी आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये यहाँ पे किस तरह से हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इस्पात मंत्रालय आप देख सकते हैं। तो किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे पवेलियंस में दिखाई गई हैं। तो देखिए हमारा देश किसी से कम नहीं है, बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। तो ये सारी आप मिनी भारत की यहाँ पे एक झलक देख सकते हैं। आप आइए यहाँ पे और देखिए मिनी भारत की एक झलक। अगर आप पूरा इतना टाइम नहीं है आपके पास कि पूरे भारत में आप घूम सकते हैं, तो यहाँ पे आइए आप प्रगति मैदान में आइए दिल्ली, और विज़िट कीजिए मिनी भारत की। तो चलिए अब चलते हैं 4, 3 और 2 हॉल नंबर में, क्योंकि ये जो हॉल है सारे मिले जुले हैं आपस में ही। तो गाइस मैं लेकर आई हूँ आपको ट्रेड फेयर में, चलिए दिखाते हैं आपको बहुत कुछ सुंदर अच्छा। देखिए यहाँ पे अभी एक स्टॉल है, ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग है, ये देखिए इधर यहाँ पे शारदा जोशी भी है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए लाइट सी लाइट है इस वाली स्टॉल पे, ये पूरी तो ये स्टॉल है थाईलैंड की। तो आप देख सकते हैं कि नज़ारा ही अलग है थाईलैंड का। तो देखिए लाइट ही लाइट है। तो जब आप इसमें घुसेंगे हॉल नंबर 2, 3, 4 में, तो आपको बिल्कुल सामने ही ये स्टॉल दिख जाएगी। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे ये लाइट्स हैं, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं इसको। प्राइस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लीजिए। बाकी देखिए काफ़ी महंगा है वैसे तो काफ़ी अच्छा है वैसे है।
चलिए मैं लेकर आई हूँ आपको अफ़गानिस्तान की ये ड्राई फ्रूट की शॉप है। तो वैसे तो नेचुरल ड्राई फ्रूट लिखा हुआ है और अच्छे भी हैं काफ़ी, आप लोग विज़िट कीजिए यहाँ पे। तो ड्राई फ्रूट की काफ़ी स्टॉल ट्रेड फेयर के अंदर लगाई हुई हैं। वियतनाम की स्टॉल है, वियतनाम बास्केट। तो देखिए मैंने जो भी आपको बास्केट दिखाई है वो है 2300 की बास्केट। तो ये है वियतनाम की स्टॉल, और वियतनाम की लैंग्वेज समझने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और उनको भी मेरी समझने में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, तो बस ऐसे ही काम चला लेते हैं। देखिए इस जगह पे जाते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी पूरे मतलब दुनिया की स्टॉल यहाँ पे लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं समझने में, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दुबई की स्टॉल है, और ये जो कुर्तियाँ हैं ये दुबई की हैं पूरी, और वहीं का ये पूरा जो भी फैशन है ये सब दुबई का मैं दिखा रही हूँ। एंड देखिए एक और ये ड्राई फ्रूट की शॉप मैं दिखा रही हूँ आपको स्टॉल। तो काफ़ी स्टॉल हैं ड्राई फ्रूट की, आप अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट, और ये देखिए ब्लैकबेरी, और बहुत से तो ऐसे हैं जो बहुत फर्स्ट टाइम मैंने देखी हैं सारी चीज़ें। दुबई हुई, तो गाइस लेकर चलते हैं आपको हरियाणा के पवेलियन में, जहाँ पे स्टॉल लगी हैं, और वो ऊपर है हॉल नंबर 4 में है, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाइए। तो देखिए यहीं पे है, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको अभी। तो देखिए अगर आप थक जाते हैं ट्रेड फेयर में घूमते घूमते, तो हॉल की भी व्यवस्था हैं, काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं, और आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं अच्छे से, जितनी भी देर चाहें आप बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है हॉल का एग्ज़िट, और मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है उसी पे सारी पवेलियंस हैं, और ऊपर स्टेट्स की जो पवेलियंस हैं, एंड ऊपर जाने की व्यवस्था है, लिफ्ट है, एक्सकेलेटर है, एंड देखिए ये सामने ही है फाउंटेन, बिल्कुल एग्जिट हॉल के सामने। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदरता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देखिए मैं आ चुकी हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे, और ये है सामने फूड कोर्ट एंड डांसिंग एरिया एंड सिंगिंग एरिया। तो ये शाम को यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शाम को भी यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं, खाना पीना काफ़ी अच्छा है, फूड कोर्ट है, सभी तरीके के खाने जिस भी स्टेट का चाहें खा सकते हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आपको राज्य केंद्र प्रदेश पवेलियंस में, जहाँ पे इसमें दिखाए गए हैं दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर सबके पवेलियंस। तो चलिए आपको इस हॉल के अंदर लेके चलते हैं।
तो मैं लेकर आई हूँ आपको दिल्ली की पवेलियन में, और दिल्ली के अंदर जो भी सामान मिलते हैं, कपड़े से लेके, बैग से लेके, शूज से लेके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, जो हमारे यहाँ भारत में आए हैं, आप लोगों का वेलकम है ट्रेड फेयर में, और आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं धाकड़ प्रदेश हरियाणा में, और आपको दिखाते हैं वहाँ की सारी चीज़ें कि क्या क्या है, सब कुछ आपको दिखाते हैं हरियाणा प्रदेश का। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे प्रदेश हरियाणा में, वेलकम टू हरियाणा। तो देखिए, आज मैंने खूब जी भर के डांस किया है अपने हरियाणा प्रदेश की पवेलियन में आके, तो पता चल गया होगा जी के लोगों को।
तो चलिए हरियाणा के बाद आपको दर्शन करा देते हैं भोले बाबा के। तो आपको लेकर आए हैं हम केदारनाथ धाम एंड बद्रीनाथ धाम, तो दर्शन कर लीजिए आप केदारनाथ भगवान के। तो देखिए यहाँ पे केदारनाथ एंड बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके तो ऐसा लगेगा आप लोगों को, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि देखिए मैं साक्षात बिल्कुल बद्रीनाथ धाम में पहुँच गई हूँ एंड केदारनाथ में धाम में पहुँच गई हूँ, दर्शन किए। और देखिए प्रॉपर घंटियाँ लगी हुई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। आप लोग आइए यहाँ पे। एंड अब मैं लेकर आई हूँ आपको पंजाब की पवेलियन में, तो देखिए एंट्री कर लेते हैं, आप लोग आ जाइए, आपका वेलकम है। तो यहाँ पे सब कुछ है पंजाब का, पंजाब की पूरा कल्चर दिखाया गया है, उनकी ड्रेसेस दिखाई गई हैं, उनका खान पान दिखाया गया है। तो चलिए आप लोग आ जाइए मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं आपको पंजाब, पंजाब प्रदेश। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको उड़ीसा और मिलवाते हैं आपको उड़ीसा की संस्कृति से, और दिखाते हैं आपको उनके परिधान, उनके वस्त्र, उनकी चीज़ें बिल्कुल यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो आप लोग देखते रहिए एंड तक के किस तरह की हमारी संस्कृति है भारत में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों की, अलग अलग वस्त्र हैं, इंसान भी अलग हैं, चीज़ें भी अलग हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ बिल्कुल अलग ही है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अब उड़ीसा की ये पवेलियन में। तो देखिए बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं उड़ीसा के अंदर, और यहाँ पे ये बनाई जाती हैं लकड़ी की फोटोज़ फ्रेम और बास्केट्स, सो पीसेस अच्छे अच्छे काफ़ी। तो देखिए काफ़ी टैलेंट है उड़ीसा में भी, बहुत टैलेंट है। और देखिए कपड़े भी बिल्कुल यूनिक होते हैं उड़ीसा के, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग सा ही है। बिल्कुल जिस भी पवेलियन में आप एंट्री करेंगे जहाँ की भी, तो आपको अलग ही नज़र आएगी बिल्कुल संस्कृति। पंजाब की अलग देखी आपने, हरियाणा की अलग देखी एंड उड़ीसा का अलग। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि हम पूरे भारत में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, और एक दिन में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि एक दिन में हम सब कुछ देख लेते हैं। तो देखिए अब ये हॉल नंबर में आ चुके हैं हम लोग, 3, 4, 5 में। तो सभी मिक्स हैं ये हॉल, सारे सभी मिक्स हैं, यहीं पे आसपास ही एक में ही है, फ्लोर पे ऊपर ही आप लोग आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, तो बस यहीं है। तो देखिए अब आ चुके हैं हम लोग उत्तराखंड की पवेलियन में। तो देखिए सुंदर सी ये उत्तराखंडी बैठी हुई है यहाँ पे, सुंदर सी बड़ी सी नथ पहन के। तो मैंने एक फ़ोटो भी इनके साथ में खिंचाई थी। तो देखिए सौरभ जोशी हैं यहाँ के उत्तराखंड के नंबर 1 ब्लॉगर।
तो वो भी अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे व्लॉग शूट करके लेकर गए हैं और उन्होंने डाल भी दिए। तो देखिए अब आ चुके हैं हम उन्हीं की जगह पर। तो ये वो भी यहाँ पे आए थे इसी जगह पे, तो मैंने कहा चलो मैं भी शूट कर लेती हूँ इसी जगह पे। तो देखिए बहुत कुछ अच्छा है उत्तराखंड में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे ये कपड़े हैं इस तरह के बिल्कुल, और ये प्लांट। बिना मिट्टी के उगते हैं, सिर्फ पानी पानी से। बिना मिट्टी के उगते हैं ये? हाँ, पानी में। अच्छा, नाम भी होते हैं इनके प्लांट्स, नाम भी होते हैं इनके। हाँ, ये जैसे स्विस चार्ड है, लोलोडोजो है, रोमेन है, मतलब एग्जॉटिक जो प्लांट्स होते हैं, मतलब इनका बेसिकली यूज़ होता है सलाद बनाने में, रेस्टोरेंट में, होटल में इनका यूज़ होता है। तो हम NFT सिस्टम समझाने आए हैं, मतलब हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताने आए हैं कि कैसे कोकोपीट का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो मतलब हम सॉइललेस फार्मिंग करते हैं, हमारे कंपनी का मेन मोटिव तो यही है। थैंक यू। ऑयल बनता है इसमें, किस काम में आता है ये? सर फूड में डालने के, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 रहता है फूड में डालने का। हाँ, मस्सी में डालने से बोलते हैं इसको, बस अब आप लेके तो चलिए उत्तराखंड की आपको कराई शेयर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही है उत्तराखंड में, और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकर आई हूँ अभी मैं आपको केरला की पवेलियन में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है एंट्रेंस में ही कुछ सुंदर सी ये मूर्ति, और देखिए कुछ बिल्कुल यूनिक यूनिक चीज़ें हैं जो मैंने भी शायद, देखिए मैं ट्रेड फेयर जब भी यहाँ पे दिल्ली में लगता है तो मैं आती ज़रूर हूँ, तो यहाँ पे लगभग देख चुकी हूँ, लेकिन हर बार ही कुछ ना कुछ नया देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये केरला में देखिए बहुत टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपको केरला की जो भी चीज़ें हैं यूनिक चीज़ें सब आप देखेंगे यहाँ पे। 432 में है ये हॉल नंबर में, और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पौंडुचेरी में, और पौंडुचेरी की ये पवेलियन है। तो यहाँ भी देखिए एंट्रेंस में कुछ इस तरह की ये हैं, और बैग्स हैं, सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो भगवान भी देखिए अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे लोग बनाते हैं, अलग अलग उनको रूप देते हैं। तो देखिए इस तरह की मूर्तियाँ हैं पौंडुचेरी की पवेलियन में, इस तरह का ये सामान है। आप लोग देखिए यहाँ पे, आइए विजिट कीजिए, बने रहिए व्लॉग में। Falling down, I wonder if I can I stay by your side for life. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Ooh. Show me up, 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 show me up.